मैं शशिबाला मैम, मैं टीचर क्लास 10th को एक्सरसाइज 12.2 का 6th क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। 6th क्वेश्चन है मेरे पास, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबसेंड्स एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। ये हमारे पास सर्कल है, कोड कोड पर ये एंगल हमारे पास बना है 60 डिग्री, रेडियस है 15 सेंटीमीटर, ओ ए बी सी यानी ए सी बी हमारे पास क्या बन जाएगा, सेक्टर, रेडियस हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ थीटा 60 डिग्री, अब सेगमेंट माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, एरिया ऑफ सेक्टर पाई हमारे पास 3.14 गिवन है, रेडियस 15, रेडियस को हमें 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास आर की पावर कितनी है 2, तो 15 इंटू 15 थीटा 60 डिग्री बाय 360, पॉइंट को एलिमिनेट कर देते हैं और इसकी जगह पॉइंट की जगह 1 और बाकी इसके जितने अक्षर हैं यानी पॉइंट डिजिट हैं उनके 0 लगा देंगे, 6 1 6 6, 3 5 3 2 1 5 7, 157 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 से, 15 5 75, 5 8 7 9 9 10 5 7 7 1 11, ये आ जाए हमारे पास 11,775/100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, 170.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल सिक्सटी डिग्री का एंगल है, ये दोनों भी इक्वल एंगल हुए तो रीजन क्योंकि रेडियस है, रेडियस के अपोजिट रेडियस इक्वल होता है और साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये हमारे पास यहाँ 60 का एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 60 यहाँ पे आ गया तो कितना रिमेनिंग हो गया 120, इसलिए ये 60 ये भी 60 का हो गया हमारे पास, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हमारे पास √3/4 साइड स्क्वायर, साइड हमारे पास यहाँ क्या है रेडियस यानी 15 × 15 √3/4 15 मल्टीप्लाई जाएगी 225, 1.73 ये √3 की वैल्यू है, 225/4 मल्टीप्लाई कर देते हैं 175 173 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 6 5 14 3 17 14 16 2 25 5 2 9 9 3, ये आ गया हमारे पास 3 9
9.25 by 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू पॉइंट एलिमिनेट किया, यहाँ आ गया 100 और ये आ गया 100, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाए हमारे पास 399.25 by 4, 9 7